सभी भाई बहन, आज प्रचार का आखिरी दिन है और मैं इस समय अपने अंतिम पड़ाव पे प्रचार के हूँ। हमारे साथ हमारे जिस क्षेत्र में समापन हो रहा है, वीर सिंह पवार जी वहाँ के पार्षद, सुषमा बाधवा जी हमारी मंडल अध्यक्ष, पूनम चौहान जी मेरी एक जिला अध्यक्ष, मनोज त्यागी मेरा भाई दूसरा जिला अध्यक्ष, जय भगवान गोयल जी हमारे हिंदुत्व के शेर, और मेरा बिट्टू भाई बॉबी भाई मेरा बॉबी सरदार भाई, और ये पीछे आप देख रहे हैं हजारों लोगों के साथ, और हमारे पीछे भी जो लोग हैं अभी भी इनका जोश कम नहीं हो रहा है, और साथ में हमारी पत्नी जिसने इस चुनाव में बहुत मेहनत करी है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अब चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो रहा है और आप सब अच्छी तरह जानते हैं ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, इसलिए आप 25 तारीख की सुबह सारा काम छोड़ करके आप सब पहले मतदान के लिए जाना, कमल का बटन दबाना, अपने मनोज तिवारी को जिताकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है, हमने जीवन में हमेशा कोशिश किया कि मर्यादा का पालन किया जाए, लोगों के सुख दुख में काम आया जाए। दिल्ली में हमने विपरीत परिस्थिति में कार्य किया है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली की सरकार ने पानी, सड़क, नाली, बुजुर्गों का पेंशन, गरीबों का राशन कार्ड, ये सब कुछ इसमें दिल्ली को रुलाया है दोस्तों। फिर भी हम अपनी क्षेत्र में पहली बार मेट्रो लाए, पहली बार रेलवे स्टेशन बनाए, सिग्नेचर ब्रिज दिए, हमने क्षेत्र में पहली बार सेंट्रल स्कूल दिया, एलिवेटेड रोड दिया, ट्रिपल डेकर मेट्रो लाए, पासपोर्ट ऑफिस लाए और कन्वेंशन सेंटर लाए, 43 पार्कों में जिम लगाए, न जाने कितने लाइट्स लगाए, न जाने कितने हाई मास्ट लाइट लगाए, ये सभी कुछ, न जाने कितने स्कूल के अंदर हमने, जब हमारी MCD में सरकार थी तो हमने मास्टर क्लासेस शुरू किए, स्मार्ट क्लासेस, जब हमारी सरकार थी MCD में तो हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू किए। इन सभी चीज़ों के बदले आपका प्यार चाहिए, और आगे 5 साल में जो कार्य बचे हैं उसको भी हमें करना है। कूड़े का पहाड़ भी हमने नीचे किया, आज MCD में भी आम आदमी पार्टी है, और आप सब उस सारी चीज़ों को सोचिएगा जरूर, और याद रखिएगा भगवान राम का मंदिर जिसने बनाया उसको प्रधानमंत्री फिर से बनाना है मेरे दोस्तों। और जो लोग इस देश को नकारात्मकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो घर घर से आतंकवादी निकालना चाहते हैं, जो हमारे सैन्य बलों के शहीद होने पर जश्न मनाते हैं, वैसे लोगों को निश्चित रूप से हम उनको उनकी जगह दिखाएंगे। और आपका मनोज तिवारी आपका है, यहाँ सभी लोग सामने खड़े हैं और हम सभी नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे। भारत माता की जय, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब मनोज तिवारी बन जाना, आप सब मोदी बन जाना, इसी में हमारे देश का परचम फिर से लहराएगा, हम विकसित भारत की तरफ जाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।